Hey guys, मैं अजीत, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो यहाँ पर पोको F4 5G और आइकू नियो 6, ये दो ऐसे हैंडसेट्स हैं जो कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से आपको कंफ्यूज करने वाले हैं कि दोनों में से कौन सा हैंडसेट लेना चाहिए। लेकिन जी हाँ, यहाँ मैं बैठा हूँ, आपके सारे कन्फ्यूजन सारे डाउट्स को क्लियर कर किए जाएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात कर रहे थे पोको F4 5G वर्सेस आइकू नियो 6। ये दोनों ऐसे हैंडसेट्स हैं जो कि 30,000 रुपए की प्राइस बजट में आते हैं, प्राइस कैटेगरी में आती है। दोनों ही फोन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आइकू नियो 6 अमेजन पे अवेलेबल है तो पोको F4 5G फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। दोनों ही फोन के अंदर 3,000 रुपए के डिस्काउंट्स मिल जाते हैं जो भी बैंक के ऑफर्स हैं, लेकिन टेक्निकली दोनों पे 3,000 रुपए के डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। तो 27,000 रुपए दोनों ही फोन्स के पड़ेंगे आपको। अब बेस वेरिएंट जो मैंने यहाँ कंपैरिजन के लिए उठाया है वो है 8+128। अब आप पूछोगे क्यों भैया, क्योंकि आइकू नियो 6 का जो बेस वेरिएंट आता है वो 8GB का आता है और पोको F4 5G का बेस वेरिएंट 6GB आता है, लेकिन यहाँ पर 8GB का भी ऑप्शन दिया गया है पोको F4 5G। तो बट ऑफ कंपैरिजन यहाँ पर होना चाहिए तो फिर ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए, तो मैंने 8GB वाला किया जिसकी वजह से दोनों का प्राइस सेम है। वैसे 6GB वाला लीजिएगा तो प्राइस और थोड़ा कम पड़ जाएगा आपको। अब थोड़े स्पेसिफिकेशंस को फटाफट क्विकली मतलब ले लेते हैं और एक ब्रीफिंग कर लेते हैं, इससे आइडिया लग जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले पोको F4 5G के अंदर की बात करूं तो स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट मिलता है, UFS 3.1, LPDDR5, 8+128GB वाला रैम एंड रोम वेरियंट हमने यहाँ पे चूज किया है। E4 टाइप वाला एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है, प्लस 360 हर्ट्ज का यहाँ पर आपको टच सैम्पलिंग रेट मिल जाएगा। कैमरा की बात करें तो 64+8+2 मेगापिक्सल है, साथ में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और 4500mAh की बैटरी, 67W का चार्जर और ग्लास डिजाइन है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं आइकू नियो 6 को लेकर के वेरी क्विकली। तो आइकू नियो 6 का यहाँ पर 8+128GB वाला रैम एंड रोम वेरिएंट हमने उठाया। दोनों ही फोन के अंदर यहाँ पर आपको जैसे स्नैपड्रैगन 870 उसमें मिलता है, तो इसमें भी स्नैपड्रैगन 870 ही चिपसेट आपको मिलता है। UFS 3.1, LPDDR5, एमोलेड का E4 वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का यहाँ पर मिल जाता है आपको हायर रिफ्रेश रेट, साथ ही साथ 360 हर्ट्ज का यहाँ पर आपको मिल जाता है टच सैम्पलिंग रेट। और एक चीज मैं बताना भूल गया कि पोको F4 5G के अंदर भी आपको लिक्विड कूलिंग मिलती है, वैसे ही यहाँ पर कैस्केड कूलिंग मिलता है आइकू नियो 6 के अंदर। कैमरा की बात कर लें आइकू नियो 6 के अंदर तो यहाँ 64+8+2 मेगापिक्सल और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, 4700mAh की बैटरी, 80W का चार्जर और यहाँ पर समाप्त हुआ। दोनों फोन में एंड्रॉयड 12 आते हैं, एक में MIUI आता है, एक में फ्रंट टच OS आता है। अब दोनों फोन में से कौन सा फोन ले, ये सबसे बड़ा जो सवाल आता है, इस सवाल के बारे में वेरी क्विकली आपको मैं बता दूं। सबसे पहली चीज बिल्ड एंड डिजाइन में अगर आपको यहां पर ज्यादा आपके लिए मैटर करता है तो बट ऑफ है कि यहां पर लुक वाइज अगर आप देखने जाइएगा तो आइकू नियो 6 थोड़ा ज्यादा बेहतरीन आपको लगेगा इन कंपैरिजन टू पोको F4 5G। लेकिन पोको F4 5G की अगर यहां पर आप देखिएगा तो उसमें ग्लास इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से प्रीमियमनेस थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ा अच्छा लगेगा इन हैंड आपको इन कंपैरिजन टू आइकू नियो 6। लेकिन आंखों को अगर आप देखिएगा तो आंखों का ज्यादा अच्छा आइकू नियो 6 लगता है। ये पर्सनल अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, आपकी जो भी चॉइस है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला जो पॉइंट है यहां पर जो कि आपका एक डिसीजन मेकर बन सकता है कि दोनों हैंडसेट्स में से हमें कौन सा लेना चाहिए, आइकू नियो 6 का जो यहां पर डिस्प्ले है वो है E4 एमोलेड डिस्प्ले, साथ ही यहां पर पोको F4 5G का भी है यहां पर E4 एमोलेड डिस्प्ले। अब आप बोलोगे ऐसा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि आइकू नियो 6 के अंदर आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि आपको पोको F4 5G के अंदर नहीं मिलता है। तो ये सबसे बड़ा एक डील ब्रेकर हो सकता है कि भाई आजकल इन डिस्प्ले चले हुए हैं, ट्रेंड है, तो बट ऑब्वियस है कि हम क्यों लें यहां पर साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि आपको पोको F4 5G के अंदर देखने को मिलता है। आइकू नियो 6 में ये चीज थोड़ा इनहेंस कर दिया गया है। अगला चीज जो है बैटरी, जी हाँ, 4500mAh की बैटरी मिलती है आपको पोको F4 5G के अंदर और साथ ही यहां पर आइकू नियो 6 में आपको मिलता है 4700mAh की बड़ी बैटरी और सबसे बड़ी चीज ऑन टॉप ऑफ इट 80W का चार्जर मिलता है जहां पर सिर्फ 67W का चार्जर आपको पोको के अंदर देखने को मिलता है। तो टेक्निकली देखिएगा बैटरी ज्यादा है आइकू नियो 6 का इन कंपैरिजन टू पोको F4 5G, चार्जर ज्यादा है मतलब जल्दी चार्ज करेगा, तो दोनों ही चीजों में यहां पर आइकू नियो 6 आगे बढ़ा हुआ है इन कंपैरिजन टू पोको F4 5G। तो यहां पर आपको एक आइडिया लग रहा होगा धीरे धीरे कि भाई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा और चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहां पर आपको एक ब्रीफिंग मिल गया होगा कि यहां पर बैटरी बेहतर है, चार्जर बेहतर है यहां पर, और अगर बात करें यहां पर लिक्विड कूलिंग कैस्केड कूलिंग दोनों के अंदर मिल जाते हैं तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अब जो मेन डिसीजन मेकर होता है वो होता है कैमरा।
कैमरा एक बहुत बड़ा डील यहां पर बना सकता है या बिगाड़ सकता है। इसके बाद एक और चीज है वो सॉफ्टवेयर, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कैमरा यहां पर जब आप नोटिस कीजिएगा तो आपको लगेगा कि iQOO Neo 6 का जो फ्रंट कैमरा है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है। जी हाँ, लगेगा भी, नंबर गेम का जमाना है, नंबर यहां पर चल रहा है, तो नंबर थोड़े कम है iQOO के यहां पे, क्योंकि फ्रंट में 16 मेगापिक्सल ही iQOO Neo 6 के अंदर मिलता है, जबकि Poco F4 5G के अंदर आपको फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का दिया गया है। और दोनों ही फोन के रियर कैमरा 64+8+2 मतलब सेम है, किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब यहां पर डिसीजन मेकर क्या हो सकता है? सेंसर्स। जी हाँ, सेंसर्स। आप मानो चाहे नहीं मानो, ओमनी विजन जो सेंसर है वो उतना वेल ऑप्टिमाइज्ड या फिर वेल सेंसर नहीं है। जिस फोन में ओमनी विजन का सेंसर इस्तेमाल किया गया, कैमरा उतना ज्यादा बेहतरीन नहीं मिला है। टिल द टाइम कि वहाँ चिपसेट्स, यूआई, अलग अलग 10 तरह का कैसा कॉम्बिनेशन है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि 30,000 वाले बजट सेगमेंट में ब्रांड ने इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया होगा कि इतना अच्छा से वेल ऑप्टिमाइज्ड थे। ओमनी विजन हमने पास्ट में भी देखा है 30-35,000 रुपए के सेगमेंट में, इट डज नॉट डू द ब्रिलियंट जॉब। तो ओमनी विजन आपको मिलता है पोको F4 5G के अंदर में, वहीं यहां पे GW1P का सेंसर मिलता है आपको iQOO Neo 6 के अंदर में। GW1P के सेंसर हमने बहुत सारे हैंडसेट्स में देखे हैं, इनफैक्ट Redmi ने भी इस्तेमाल किया, Realme ने भी इस्तेमाल किया, तो बट वैसे कि ये सेंसर का जो क्वालिटी है वो बेहतरीन है, हमने इससे खुद एक्सपीरियंस पर्सनली किया हुआ है, उसके कंपैरेटिवली मैं बता रहा हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, आई लिव इट अपॉन यू गाइज कि आप यहां पर क्या चूज करने वाले हैं। तो टेक्निकली अगर मुझे अगर चूज करना हो दोनों सेंसर में से, तो मैं GW1P सेंसर को चूज करूंगा इंस्टेड ऑफ ओमनी विजन, जो कि पोको F4 5G के अंदर आता है। फ्रंट में आपको मिलता है यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का कैमरा। जी हाँ, मेरे पास iQOO Z6 भी है। कैमरा में मैं एक चीज आपको गारंटी दे सकता हूँ कि iQOO का जो कैमरा क्वालिटी होगा डेफिनेटली पोको से ज्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि iQOO यहाँ पर एक चीज सेलिंग पॉइंट हर ब्रांड की होती है। जैसे देखिए सुना, पोको हमेशा चिपसेट के साथ खेलता है, उसे हमेशा रहता है कि भैया बेहतरीन चिपसेट दूं मैं ताकि लोगों के नजर में रहूं और सस्ते प्राइसेस में अवेलेबल कराऊं। तो iQOO ने यहां पर जितने भी हैंडसेट्स हैं iQOO के, आप गौर कीजिएगा, सभी के कैमरास बहुत ही अच्छे होते हैं। तो iQOO Neo 6 का भी कैमरा आपको अच्छा मिल जाएगा, बट पोको F4 5G से तो डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। तो कैमरा में भी बोलूंगा कि कूडोज। अब जो सबसे बड़ी चीज आती है डील ब्रेकर, जो कि आपका एक डिसीजन लेने में आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा दोनों ही फोन में, पोको का हिस्ट्री हम लोग जान चुके हैं। यहाँ पर मदरबोर्ड्स उड़ गए थे, यू नो, और यहाँ पर सर्विस सेंटर्स उतने अच्छे नहीं हैं, फीडबैक्स अच्छे नहीं हैं, ब्रांड यहाँ पे 2 साल की वारंटी चला रही है, वैसे iQOO भी दे रही है 2 साल की, बट ये बोल नहीं रही है, ये डिफरेंस है। अब जो सबसे बड़ी बात आती है निकल करके कि दोनों हैंडसेट्स के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें क्या झोल है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सॉफ्टवेयर दिया गया है दोनों के अंदर, एंड्रॉयड 12 मिल जाता है। दोनों ही फोन के अंदर अपने अपने खुद के UI हैं, जिस एक में MIUI है और एक में फन टच OS है। अब जो सबसे बड़ी चीज निकल करके आती है, पोको जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है वो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स में। जी हाँ, पोको F1 को अगर आप देखिएगा, नो डॉट क्लास फोन था, बेहतरीन फोन था, लेकिन वो मर गया जस्ट बिकॉज ऑफ अपडेट्स। क्या आज नहीं वो अपडेट, अगर आज भी उस फोन को मिले तो वो आज भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन ब्रांड नहीं देगी, क्योंकि बहुत ही बजट सेगमेंट में निकाला था, उतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके ऊपर नहीं करना है। तो अब बात कर लेते हैं यहां पर iQOO ने क्या जादू किया। जादू ये किया है कि 2 साल का मेजर अपग्रेड्स, 2 मेजर अपग्रेड्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये iQOO छाती ठोक करके बोल रहा है, हर जगह अपने वेबसाइट सभी जगहों पर लिख करके रखा है। 3 साल तक आपको सिक्योरिटी पैच के सिक्योरिटी अपडेट्स देंगे, जो कि पोको ने कहीं पर भी नहीं बोला है, बिकॉज हमें पता है कि पोको के जो चिपसेट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ, आई कैन नॉट गारंटी, मैं एकदम सटीक नहीं बोल सकता हूँ, बट ऐसा कहीं ना कहीं है कि पोको के जो इतने फोन के जो पिछले वाले फोन के जो फीडबैक्स आए हैं वो कहीं ना कहीं यूज्ड माल होते हैं उनके इंटरनली, Xiaomi वाले वही इस्तेमाल करने की वजह से ये सब ये भुगतना पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये मार्केट में बाहर निकालने के लिए सारी चीज़ें पोको करती, पोको के नाम से आया हुआ है। वट आई बिलीव ये अलग अलग चीज़ें हो सकती है, बट मैं इस पर गारंटी दी, मेरी अपनी खुद की सोच है। अब बात आती है यहाँ पर iQOO Neo 6 क्यों लेना चाहिए, सारा कुछ तो मैंने आपको बता दिया है क्यों लेना चाहिए। तो iQOO के अंदर हर एक वो चीज़ है जो कि पोको से बेहतरीन है और पोको से बेहतर है। आप अगर पैसे लगाते हैं तो आपको एक मन की शांति रहेगी कि आपने जो प्रोडक्ट पे पैसे लगाए हैं वहाँ आपका पैसा बर्बाद नहीं होने वाला है। ये मेरी अपनी सोच थी। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।